हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 27th of June 2022। 27 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है 2023 के लिए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक है वो, तो जिनको भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में दिक्कत हुई है बिकॉज ऑफ 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या जो भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूर एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। यू कैन ट्रस्ट अस, एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीरीज को। 6 जुलाई से क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, प्रोग्राम का डिटेल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए अगर आपको सही लगे तो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं सॉइल्स के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दी सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नदर्न प्लेन्स और एंड द रिवर वैलीज। दूसरा कह रहा है दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तीसरा कह रहा है इन द पेनिनसुलर रीजन्स दे आर फाउंड इन डेल्टा एंड ईस्ट कोस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सी सॉइल की बात चल रही है। ऑप्शंस आ रही है ब्लैक सॉइल, बी लेटराइट सॉइल, सी पी टी सॉइल या डी एल्यूवियल सॉइल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ टीक एंड साल फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द टोपोग्राफिक रीजन्स। ए वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट्स, सी सेंट्रल हाईलैंड्स या डी अरावलीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड। तीसरा कह रहा है स्पीशीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, महोगनी, एनी एंड एबोनी। तो आपको बताना है कि किन की बात चल रही है। ए माउंटेन फॉरेस्ट, बी लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट, सी मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट या डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये 3 सवाल हैं, आपको आंसर्स करने हैं इनके। अब एक एक करके मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आई होप कि आपने तब तक अटेम्प्ट कर लिए होंगे। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से सॉइल्स के रिगार्डिंग पूछा था कि कौन सी सॉइल है ये। 3 स्टेटमेंट आपको दिए थे, एक एक करके आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। आंसर इसका होगा एल्यूवियल सॉइल। ये जो सॉइल है ये एल्यूवियल सॉइल है। ये सॉइल जो है वो नदर्न प्लेन्स ऑफ एंड द रिवर वैलीज में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है और इनको ट्रांसपोर्टेड या डिपोजिशनल सॉइल्स भी कहा जाता है क्योंकि रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती हैं, है ना, एंड ईस्ट कोस्ट के डेल्टास के रीजन में भी ये पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा एल्यूवियल सॉइल। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हाई कंसंट्रेशन टीक एंड साल फॉरेस्ट का कहां है। तो एक्चुअली टीक एंड साल जब आप देखेंगे, साल सागौन का जो पेड़ होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश और इधर वाले रीजन में, तो सेंट्रल हाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द रीजन विल बी सेंट्रल हाईलैंड। तो टीक एंड साल जो है वो ट्रॉपिकल डेसीडुअस ट्रीज हैं, याद रखिएगा ट्रॉपिकल डेसीडुअस ट्रीज होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था स्टेटमेंट्स वाइज ही था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, मतलब इनमें से कौन से फॉरेस्ट को रेफर करते हैं। तो देखो, अगर आप सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते कि इसमें रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आता है तो इसका आंसर आपको बन जाता। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही तो वेराइटीज हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, तो याद रखेगा। बल्कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, याद रखेगा, इसको वेल स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, दीज आर द वेल स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दीज वर द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। आपको बताना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज, एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए और क्या करना चाहिए कि अगर आपको एमएसएमईज का स्टेटस और इम्प्रूव करना है तो पहली चीज तो आपको बतानी है कि एमएसएमईज का इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी चीज आपको बतानी है कि एमएसएमईज को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं मैं आज के न्यूज एनालिसिस की तरफ से। तो आज सबसे पहली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स पेज की न्यूज है। मध्य प्रदेश ने पहली रणजी ट्रॉफी जीती है। तो मध्य प्रदेश हैज वॉन इट्स फर्स्ट मेडन रणजी ट्रॉफी। इस बार उन्होंने एक बहुत, मतलब 41 बार का चैंपियन जो मुंबई था उसको हराया है। तो मुंबई वॉज डिफीटेड इन द फाइनल्स बाय मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हैज वॉन इट्स रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स द मेडन ट्रॉफी फॉर रणजी फॉर मध्य प्रदेश। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मुंबई ने तो कई बार जीती है, 41 बार के लगभग जीती है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर
और मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश हैज डिफीटेड मुंबई इन द फाइनल्स. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अगली जो न्यूज है वो है G7 प्रपोजेस $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रा प्लान टू राइवल चाइना. अब यहां पे G7 ने प्रपोज किया है एक $600 बिलियन रेस करने का प्लान, जो कि इन कंटेस्टेशन रहेगा विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना. चाइना का आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है. अब यूएसए चाहता है कि G7 के थ्रू वो इसको काउंटर करे, है ना. तो G7 के थ्रू काउंटर करना चाहिए. G7 की कंट्रीज कौन कौन सी, अगर आपको बता दूं, G7 में आपका कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, या आता है US और UK, ये ठीक है ना. तो US, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, ये इसके मेंबर्स हैं. एंड इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी उसका पार्ट है जो अटेंड करेगा मीटिंग. तो G7 की कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन नहीं आता है, याद रखना है, लेकिन G7 यूरोपियन यूनियन की मीटिंग्स में ज़रूर रहता है, ठीक है ना. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एक बार फिर से बता दूँ, G7 की कंट्रीज़ में कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK एंड यूरोपियन यूनियन हम बोलते हैं ज़रूर. तो ग्रुप ऑफ सेवन में हम यूरोपियन यूनियन को भी बोलते हैं, लेकिन कंट्रीज़ अगर पूछेगा कोई तो कंट्रीज़ में यही है आपका कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, US, UK, ये 7 कंट्रीज़ आप याद रखेगा. G8 था पहले, लेकिन रशिया को 2014 में जब आपका क्रीमिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया तो उसको हटा दिया गया, तो G8 से G7 बन गया था, ठीक है ना. एंड ये जो है, जो बाइडेन ने कहा है कि भैया $200 बिलियन तो US खुद करेगा, और रेस्ट जो $400 बिलियन है वो बाकी के जो G7 के मेंबर्स हैं वो 2027 तक. तो ये $600 बिलियन का जो प्लान है ये 2027 तक इनको रेस करना है, ताकि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज हैं, बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उनको साझा लिया जा सके और एक तरीके से कहना चाहिए कि चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें और चाइना के BRI में एक डिफरेंस और रहेगा कि चाइना का अगर हम BRI देखें तो वो स्टेट रन है, मतलब गवर्नमेंट रन है, लेकिन जो ये G7 का प्लान है इसमें प्राइवेट जो कंपनीज है दे विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल, ठीक है ना. तो याद रखिएगा, चाइना का जो BRI है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो आपका एक स्टेट रन प्रोजेक्ट है, दैट इज अ स्टेट रन प्रोजेक्ट. लेकिन ये जो है आपका, ये जो G7 के अंतर्गत होगा ये $600 बिलियन का प्लान, ये जो रहेगा आपका ये प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाएगा. अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी थी मुझे. जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, इसमें दो रूट्स आपको दिख रहे हैं. एक तो रेड जो रूट है वो आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, और दूसरा आपका जो ब्लू वाला है ये सीधा वाटर वाटर बॉडी से जाएगा, ये मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत आपका ये दो रूट्स हैं जो कि इस तरीके से चलती हैं. एक आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और दूसरा आपका मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है. तो आपको दिखा दें, जैसे यहाँ पे आप अगर देखें वाटर वाला, तो ये फूझू से चल रहा है, ह्वांगझू हो रहा है, फिर झांजियांग, हाइकू, फिर हनोई, वियतनाम वाला पार्ट है ये, फिर आपका ये जकार्ता, कुआलालंपुर, यहाँ पे कोलकाता भी इसका एक पॉइंट है, और कोलंबो है, नैरोबी है, इधर एथेंस है, देन वेनिस है. तो ये पूरा इसका इसके अंतर्गत आता है जो मैरीटाइम सिल्क रोड है. और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें जो इसका पार्ट है ट्रेड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जो उसमें जियान आपका आता है, उरुमकी आता है, उरुमकी अलमाती आता है, बिश्केक आता है, दुशानबे आता है, देन आपका तेहरान आएगा, इस्तांबुल आएगा, देन आपके यहाँ पे रोटरडैम तक जाएगा. तो मतलब कुल मिलाकर के आप देखिए कि चाइना से ले एशिया को यूरोप से मिला, यूरोप को जोड़ रहा है, एशिया से पूरा यूरोप जुड़ रहा है, और बीच में सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके अंतर्गत आ रही हैं. तो ये आपका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके दो पार्ट हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, ये भी याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. तो यहाँ पे है, उड़ीसा टू इंस्टॉल सायरन्स टू कॉशन एलिफेंट मूवमेंट इन फॉरेस्ट. अब उड़ीसा ने क्या कहा है कि वो सायरन इंस्टॉल करेंगे ताकि एलिफेंट्स के मूवमेंट के थ्रू उनको कॉशन किया जा सके, ताकि जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये सब रोका जा सके, है ना. तो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उड़ीसा का एक्सपेरिमेंट कर रहा है सायरन सिस्टम को, विच वुड गो ऑफ ऑटोमेटिकली सेंसिंग एलिफेंट हर्ड्स क्रॉसिंग द नेशनल हाईवेज
टू रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट इनकाउंटर्स। तो ह्यूमन एलिफेंट इनकाउंटर्स को कम करने के लिए सायरन सिस्टम का यूज किया जाएगा, ताकि जैसे ही एलिफेंट कोई नेशनल हाईवे क्रॉस करे तो उससे उनको पता चल जाए कि क्रॉस हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये जो सायरन सिस्टम है ये डिटेक्ट करता है एलिफेंट हर्ड्स अप्रोचिंग द नेशनल हाईवेज बाय इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम। तो याद रखिएगा, इसमें इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम का यूज किया जाएगा और ये सायरन सिस्टम डिटेक्ट करेगा जब एलिफेंट हर्ड्स अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे। और इसके अंदर एक बिल्ट इन प्रोग्राम रहेगा टू आइडेंटिफाई जंबोस फ्रॉम देयर साइज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि एलिफेंट ही आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा? तो इसमें बेसिकली इनबिल्ट सेंसर है जो कि जो एलिफेंट है जंबोस है उनके साइज के अकॉर्डिंग उसको फिल्टर आउट कर देगा। जैसे ही इसमें पता चलेगा, वंस डिटेक्टेड द सायरन वुड गो ऑफ अलर्टिंग द ट्रैफिक फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जैसे ही होगा तो अलार्म सिस्टम के थ्रू सायरन वुड गो ऑफ, बंद हो जाएगा और अलर्ट कर देगा ट्रैफिक को दोनों साइड के कि भाई ये ट्रैफिक को रोकना है, क्योंकि एलिफेंट्स जो है वो नेशनल हाईवेज को अप्रोच कर रहे हैं, उसको क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक वो क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक रुकेगा, उसके बाद फिर वो निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके साथ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी इंप्लीमेंट किया था एपीकल्चर प्रोग्राम, ताकि जो एलिफेंट्स हैं उनको रेलवे और इन सब से दूर रखा जाए, है ना। तो उसमें बीज का यूज किया था, एपीकल्चर है यानी बीज का यूज किया था, है ना। उनकी झुन भुन 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 की आवाज आएगी ना, तो वो एलिफेंट्स दूर रहेंगे। तो एपीकल्चर का जो प्रोग्राम था ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने स्टार्ट किया था। आपको एक फैक्ट बता दूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1957 में बनी थी। याद रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी? 1957 में बनी थी और बनी थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। याद रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत ये बनी थी। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए प्लान करती है, फैसिलिटेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और असिस्ट करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो रूरल इंडिया में स्पेशली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, ये सारा काम करती कौन? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1957 में बनी थी और स्टैट्यूटरी बॉडी है। फ्रॉम जुलाई 1 हिमाचल इज टू बाय बैक सिंगल यूज प्लास्टिक। अब हिमाचल प्रदेश ने एक अलग से एक अनोखा इनिशिएटिव किया है सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके कंटेंट को कम करने के लिए। तो आप सबको पता है कि सेंटर ने डिसाइड किया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको 1 जुलाई से बैन कर दिया जाएगा, है ना। तो हिल स्टेट जो हिमाचल प्रदेश का है उसने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बाय बैक स्कीम। बाय बैक स्कीम में क्या होगा, स्कूल और कॉलेजेस में उन्होंने क्या बोला है कि आप घर से सिंगल यूज प्लास्टिक ले आइए, हर 1 किलो के आपको 75 रुपीज दिए जाएंगे, है ना। तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया है कैचिंग देम यंग। तो बच्चों को बहुत कम उम्र में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ये कंसेप्ट, ताकि वो इस चीज को कम यूज करें, फ्यूचर में ना यूज करें और उनको पता चले कि ये चीज एनवायरमेंट के लिए खराब है, ठीक है ना। तो कैचिंग देम यंग करके प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत अगर बच्चे अपने घर से 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक लाते हैं तो उसके 75 रुपए जो है उनको पे किए जाएंगे, 75 रुपीज विल बी पेड फॉर देम। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ये मिशन, याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ हिम कॉस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, याद रखेगा। तो हिम कॉस्ट यहाँ पे जो लिखा है, याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश की स्टेट नोडल एजेंसी है फॉर द नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, है ना। वहाँ का एनवायरमेंट रिलेटेड जो है, हिमाचल प्रदेश का हिम कॉस्ट जो है वहाँ की स्टेट नोडल एजेंसी है। याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म है आपका हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हिम कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो ये स्टेट की नोडल एजेंसी है साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट के काम में। तो ये भी आप एक फैक्ट इसको याद करके रखिए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इन तीनों चीजों को आप याद रखेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सारी नोट्स अब हम अवेलेबल कराते हैं आपको tempsis.com पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि पूरी नोट्स आपकी अवेलेबल है, आप वहां से PDF भी निकाल सकते हैं इसका, tempsis.com। अगर आप देखें तो वहां पे आपको सारे दिनों की PDF मिल जाएंगे, ना। तो tempsis.com में ज़रूर आप उसको यूज़ करिए, आपको पूरे PDFs मिल जाएंगे, पूरे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है tempsis का टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, tempsis। तो ये यहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी।
यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज न्यू वीपीएन रूल्स। अब यहाँ पे इंडिया ने वीपीएन रूल्स 28 अप्रैल को नोटिफाई किए थे। इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने मैंडेट किया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स को, जो वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं उनको, कि वो अपने कस्टमर्स का लॉग 180 दिनों तक का सेव करेंगे। दे विल सेव द लॉग फॉर 180 डेज। पहली चीज, दे विल सेव द लॉग ऑफ 180 डेज ऑफ देयर कस्टमर्स, ठीक है ना। और उनसे कभी भी फर्म से मांगा जा सकता है डेटा, है ना। तो डेटा उनको अगले 5 सालों तक सुरक्षित रखना है, 5 ईयर्स तक उनको डेटा भी रखना है। एक तो 180 डेज का लॉग रखना है, 180 डेज का लॉग 5 ईयर्स तक उनको कलेक्ट करना। इट ऑल्सो आस्क द फर्म टू कलेक्ट एंड स्टोर कस्टमर डेटा फॉर अप टू 5 ईयर्स। कस्टमर का डेटा 5 साल तक रखना है। देन पहला क्या है, रिकॉर्ड एंड कीप कस्टमर लॉग फॉर 180 डेज एंड कस्टमर डेटा फॉर 5 ईयर्स। फर्दर उसने मैंडेट किया कि साइबर क्राइम रिकॉर्डेड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सर्ट इन। जो भी साइबर क्राइम रिकॉर्ड हो अगर वीपीएन के द्वारा, तो तुरंत सर्ट इन, यानी कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसको 6 घंटे के अंतर्गत, क्राइम के 6 घंटे के अंतर्गत उसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली है, ये सारी चीज़ें सर्ट इन ने बताया है किसको, वीपीएन को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब बहुत सारे वीपीएन है, जैसे नॉर्ड वीपीएन है, नॉर्ड वीपीएन वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीपीएन प्रोवाइडर है। इसने कहा है कि इट इज मूविंग इट्स सर्वर आउट ऑफ द कंट्री। नॉर्ड वीपीएन का कहना है कि अब वो सर्वर अपने इस कंट्री के बाहर ले जाएगा। इसके अलावा दो और फर्म्स हैं, जैसे एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फ शार्क करके है, उन दोनों ने भी कहा है कि वो फिजिकल सर्वर्स इंडिया में बंद कर देंगे एंड वर्चुअल सर्वर्स जो कि उनके सिंगापुर और यूके में है उनके थ्रू ऑपरेट करेंगे। तो बहुत सारे सर्वर और वीपीएन वाले अब यहां से बाहर भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि रूल्स एप्लीकेबल है टू एनी एंटिटी व्हाटसोएवर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया और नॉट। तो रिगार्डलेस वेदर दीज हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया और नॉट, एज लॉन्ग एज दे डिलीवर सर्विसेज टू इंडियन यूजर्स, उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी। तो जब तक वो अपनी दे रहे हैं तो उनको जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अब आपके लिए जानने की चीज़ ये है कि वर्चुअल सर्वर होता क्या है, क्या इसके यूज़ हैं। तो वर्चुअल सर्वर एक सिमुलेटेड सर्वर होता है, सिमुलेटेड सर्वर एनवायरनमेंट होता है जो कि एक्चुअल फिजिकल सर्वर में बना होता है। इट इज़ एन सिमुलेटेड सर्वर एनवायरनमेंट, सिमुलेटेड होता है ये और ये एक्चुअल फिजिकल सर्वर पर बना होता है, याद रखिएगा। इट इज़ बिल्ट ऑन एन एक्चुअल फिजिकल सर्वर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूपीएससी क्या करेगा, आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि याद रखना है आपको, कि इट इज़ बिल्ट ऑन द एक्चुअल फिजिकल सर्वर, है ना। दूसरा, इट रिक्रिएट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ अ डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर। तो ये जो फिजिकल सर्वर की फंक्शनैलिटी है उसको रिक्रिएट करता है ना। तो ये वर्चुअल ट्विन की तरह काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल ट्विन, जो कि फिजिकल सर्वर का वर्चुअल ट्विन की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर रन करेगा, ये करेगा, लेकिन वही वाली बात है कि आपको एक वर्चुअल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें आप सेफली सिक्योरिटी के साथ प्राइवेसी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स जो हैं वो आप सिंगल फिजिकल सर्वर में रन कर सकते हैं। एक सिंगल फिजिकल सर्वर में आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। एक सिंगल फिजिकल सर्वर में आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन कर सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दो जो मैंने बताया कि एक तो ये फिजिकल सर्वर पे बने होते हैं, दूसरा एक फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। एंड अब ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स आपके एक ही फिजिकल सर्वर में आ सकते हैं तो ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, स्पेस कम कंज्यूम करेगा, है ना। एंड इट रिड्यूसेस द कॉस्ट मेंटेनिंग अ वर्चुअल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्राइवेट कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन टेस्टिंग एंड डीबगिंग द एप्लीकेशंस, है ना। डायरेक्ट आप रियल वर्ल्ड में ना करके पहले उसको वर्चुअल सर्वर में जा करके एनालाइज कर लो, टेस्ट कर लो, डीबग कर लो, ये सारे इसके बेसिकली यूजर्स रहते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा आईटी इंडस्ट्रीज को, तो आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वीपीएन सप्लायर्स जो हैं कंट्री से बाहर निकल जाएंगे। तो ये रेडिकल एक्शन होगा और ये इंडियन कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एंड कई बार हमने देखा है कि डेटा ब्रीच काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बात, अगर इस तरीके का लॉज होंगे तो डेटा ब्रीच प्राइवेसी के ऊपर इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है लोगों को हरास करने के लिए, कंपनीज़ को हरास करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने ये कहा है कि इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके 5 साल तक सेव करना, ये किसी देश की गवर्नमेंट ने उनको नहीं कहा जैसा इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये काफ़ी कुछ इशूज़ हैं जो कि अभी इनको सॉर्ट आउट करना है, देखते हैं फ्यूचर किस तरीके से मूव होता है।
इंडियन लॉज ऑन एबॉर्शन। अब यहाँ पे आपको पता है रो एंड वेड का केस 1973 का काफी ज्यादा फेमस हो चुका है अमेरिका में। रो एंड वेड का केस वो केस था जिसमें कि एबॉर्शन राइट्स जो थे वो वुमेन को दिए गए थे, जिसके अंतर्गत 24 टू 28 वीक्स के अंतर्गत उनको बिफोर 24 टू 28 वीक्स उनको अपना एबॉर्शन करा लेना था अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या कुछ चीज आती है तो, है ना। लेकिन अब इसको ओवरटर्न कर दिया गया है रो एंड वेड के जजमेंट को, 1973 के जजमेंट को, और अब ये कह दिया गया है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स, वहाँ की जो स्टेट्स हैं वो डिटरमाइन करेंगी कि कैसे जो एबॉर्शन राइट्स हैं वो होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड और जो कैथोलिक डोमिनेटेड, जहाँ पे चर्च का डोमिनेंस ज़्यादा है, उन जगहों पे तो एबॉर्शन राइट्स फिर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो चर्चेस हैं, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो अगेंस्ट है एबॉर्शन के, ठीक है ना। इंडिया के एबॉर्शन लॉस की अगर हम बात करें तो 1960s में इसकी शुरुआत हुई। 1960s में देखा गया कि बहुत सारे एबॉर्शन कराए जाने लगे थे, और इस कारण से वहां पे एक शांतिलाल शाह कमेटी बनी थी। नोट कर लीजिए आप लोग, शांतिलाल शाह कमेटी बनी थी जो कि एबॉर्शन को लीगलाइज करने के लिए बनाई गई थी कि उस पर विचार किया जाए। एंड इसके बाद फिर 1971 में हमारे यहां मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया 1971 में। 1971 तक जो एबॉर्शन है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, अगर मान लो आप डॉक्टर के निगरानी में भी कर रहे हो तो भी क्रिमिनल ऑफेंस था। आर्टिकल ये सेक्शन 312 जो है आईपीसी का, वो कहता था कि अ पर्सन हु वॉलंटरली कॉजेज अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी इज लायबल फॉर पनिशमेंट अट्रैक्टिंग अ जेल टर्म फॉर अप टू 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है ना, अनलेस इट वॉज डन इन गुड फेथ, जहां पे पर्पस है टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आर्टिकल सेक्शन 312 ये कहता है कि अगर आप मिस कैरी करवाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, जब तक कि आपने गुड फेथ में वो काम नहीं किया है, मतलब कि टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। फिर सेक्शन 313 भी है आईपीसी का, जो कहता है पर्सन हु कॉजेज द मिस कैरिएज विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आपने प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट के बिना मिस कैरिएज किया, वेदर और नॉट शी इज इन द एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी पनिश्ड विद लाइफ इन और जेल टर्म दैट कुड एक्सटेंड टू 10 years एज वेल एज फाइन, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 312-313 याद रखिएगा। अब इसमें फिर एक्सेप्शन देते हुए 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया, ठीक है ना। अभी रिसेंटली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 2021 में ही अमेंड किया गया इसको, ठीक है ना, जिसमें कि जो पहले जो जेस्टेशन पीरियड था, मतलब जो पहले का पीरियड था एबॉर्शन का, वो केवल 20 हफ्तों का था, अब 20 हफ्तों से बढ़ा करके उसको 24 हफ्ते तक किया गया है। लेकिन उस केस में उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, ठीक है ना, देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन दैट, ठीक है ना। अब 2021 का जो एक्ट है उसने अपर लिमिट तो इंक्रीज कर दी जेस्टेशन पीरियड की, जिसमें विमेन जो है मेडिकल एबॉर्शन 24 हफ्तों तक ले सकती है रादर देन 20 वीक्स, पहले केवल 20 वीक्स तक ले सकती थी, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट के बाद 24 हफ्तों तक का जेस्टेशन पीरियड है 1971 के एक्ट में। लेकिन इसमें इसको करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, है ना, जिसको पहले कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। अब देखो जेस्टेशनल एज कैलकुलेट कैसे होती है, वीक्स में कैलकुलेट होती है। इट्स अ मेडिकल टर्म टू डिस्क्राइब हाउ फार अलॉन्ग द प्रेगनेंसी इज एंड इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन और पीरियड। तो याद रखिएगा जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये आपका ये एक वीक्स में कैलकुलेट होता है, मेडिकल टर्म है टू डिस्क्राइब हाउ फार अलॉन्ग द प्रेगनेंसी इज, मतलब कितना दूर आ चुके हैं प्रेगनेंसी के वो, एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन और पीरियड। तो वुमेन का जो लास्ट पीरियड आया होगा या लास्ट मेंस्ट्रुएशन था, उसके बाद से इसको काउंट किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो मेजर अमेंडमेंट है एमटीपी में, वो ये किया गया था कि जो पहले 20 हफ्तों तक के लिए था उसमें सिंगल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत थी, ठीक है ना। एंड अब क्या हो गया कि 20 हफ्तों तक सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है, मतलब सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है एबॉर्शन के लिए, और 20 से 24 हफ्तों तक अगर आपको करना है तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले 20 हफ्तों तक के लिए आपको 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, वो बोल दे कि आपको एबॉर्शन करना है तो कर लेंगे, और दूसरा आपको अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच में करना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला जो वर्जन था, पहले वर्जन में ये था कि 12 हफ्तों तक आपको 1 की जरूरत पड़ेगी, 12 से 20 में आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है ना।
ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें जो 2021 का एक्ट है उसमें मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी का है उसमें कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दूं, इफ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ द लाइफ टू द प्रेगनेंट वुमेन, इफ द कंटिन्यूएशन वुड रिजल्ट इन ग्रेव इंजरी टू द वुमेन्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इन केस ऑफ अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वॉज बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सीरियस मेडिकल और मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, मतलब बच्चे को अगर कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी होगी तो। अच्छा, 24 हफ्तों के बाद क्या होगा, क्या टर्मिनेट की जा सकती है? तो हाँ, प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब 24 हफ्तों तक तो की जा सकती है, आफ्टर द मतलब 24 हफ्तों तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, लेकिन इसमें दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंडीशंस लगेंगी। क्या क्या? पहला, विमेन या तो सर्वाइवर हो सेक्सुअल असॉल्ट की, मतलब 20 से 24 की बात है। अभी जो ऊपर की कंडीशंस मैंने बताई वो आपको 20 हफ्ते तक बताई कि विमेन की जान को खतरा हो, विमेन की फिजिकल मेंटल हेल्थ को खतरा हो या बच्चे की कोई एबनॉर्मलिटी हो। तीसरा जो है, अब जो कंडीशंस बता रहा हूं ये 20 से 24 की बता रहा हूं, अगर विमेन सर्वाइवर है सेक्सुअल असॉल्ट की, रेप की या इंसेस्ट की, अगर वो माइनर है, इफ हर मैरिटल स्टेटस हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, इफ शी हैज मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज और इज मेंटली इल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फीटल मैल फॉर्मेशन इनकम्पैटिबल विद लाइफ, इफ द विमेन इज इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन, ये सारी कंडीशंस हैं जो 20 से 24 हफ्तों के लिए लगती हैं। अच्छा, समझ लो, एक और लास्ट कंडीशन है, अगर 24 हफ्तों के बाद आपको करवाना है तो केवल एक ही ग्राउंड पे आप करवा सकते हैं, वो है फीटल एबनॉर्मेलिटी, और वो भी 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड बैठेगा, 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि ये परमिशन दी जा सकती है कि नहीं। तो 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड के बाद ही 24 हफ्तों के बाद आप कर सकते हैं, वो भी केवल फीटल मैलफॉर्मेशन या एबनॉर्मेलिटी के केस में, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, आपको बताना जरूरी था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इंडिया के भी एक्ट में कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ की अच्छी नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में अबॉर्शन की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ या सब कुछ नहीं है, वहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं है कि अगर कोई वैलिड अबॉर्शन भी होना है तो वो भी गलत तरीके से हो जाता है, तो ये सारे वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो कि बताना ज़रूरी था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। Bringing MSMEs in global value chain, अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है, आज एक 27 जून है, 27 जून को वर्ल्ड MSME डे होता है, पहले तो आप फैक्ट लिख लीजिए कि 27 जून को वर्ल्ड MSME डे होता है, और इस दिन हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि MSME को हम थोड़ा प्रमोट करने के लिए कुछ विचार विमर्श करें, ठीक है ना। MSME आप सबको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, MSMEs आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, जिसमें लगभग 11.1 करोड़ लोग, यानी कि 45% ऑफ ऑल द वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड। MSME सेक्टर में 45% ऑफ ऑल द वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और MSME के अंदर का आता कौन है? ऐसे प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेस जिनमें 50 करोड़ से लेस का इन्वेस्टमेंट हो इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर जिसका 250 करोड़ से कम का हो, ठीक है ना। तो ये आपके किस में आते हैं? ये आपके MSMEs में आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी के, याद रखिएगा। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करते हैं, 45% पूरी वर्कफोर्स समझ लीजिए ये इसमें एम्प्लॉयड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जॉब क्रिएशन का काम है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन MSMEs का स्टेटस आज भी इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली 2-3 इवेंट्स हुए, एक तो मैनमेड डिजास्टर हुआ था डीमोनेटाइजेशन का, जिसके बाद MSMEs काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लिखते जाइए। डीमोनेटाइजेशन से क्यों हुए थे? क्योंकि MSMEs ज़्यादातर कैश पे ही सब चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन उसमें कैश की प्रॉब्लम हो गई थी। अभी दूसरा जो प्रॉब्लम है MSMEs को प्रेजेंट में है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई डेफिसिट, एक तो सप्लाई कम है, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई कम है, तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। कोविड में स्लो डाउन हुआ, बहुत सारे लोगों को छांटना पड़ा, निकालना पड़ा, ठीक है ना। फिर अभी ग्लोबल वॉर चल ही रहा है, तो इस कारण से भी काफ़ी इशूज़ हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं कि क्यों MSME जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑब्वियसली आपको पता है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया हमने लाया है, और इसके अलावा हमने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए, फिर एक जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम लेकर के आए, इन सारे से हम क्या कर रहे हैं? MSME सेक्टर को बूस्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं।
अब ऑथर ने कहा है कि इसको एमएसएमई सेक्टर को आपको एक तो इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें और ज़्यादा वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि पहला इन्होंने सजेशन किया है कि डिजिटलाइजेशन या इंटीग्रेशन विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, एमएसएमई सेक्टर का डिजिटलाइजेशन करो या फिर उसको इंटीग्रेट करो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जैसे कि बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब के साथ आप करो। इंडस्ट्री 4.0 का आप इसको पार्ट बनाओ, जब आप डिजिटलाइजेशन करोगे तो ऑलरेडी ये डेवलप होगी, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मतलब कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है एमएसएमईज का उसको कम करने की कोशिश करो, नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आइए और एक कार्बन लो कार्बन इकोनॉमी बनाने की कोशिश करिए, लो कार्बन इकोनॉमी बनाने की कोशिश करिए। तीसरा है जो सप्लाई चेन है उसका रेजिलियंस बढ़ाइए। सप्लाई चेन का रेजिलियंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि जैसे थोड़े बहुत शॉक्स आते हैं, माइनर शॉक आया, कोई वॉर हुआ, कोई कुछ हुआ, तो इन सबको आपका जो सप्लाई चेन है उसको रेजिस्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गए, आपका यूनिडो हो गया, आपका ILO हो गया, इन सब की साथ बैठिए, इन सब के साथ शेयर होल्डर्स के साथ उनके साथ व्यूज़ लीजिए उनके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना आप मदद ले सकें वो लीजिए, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन इसका बहुत एक बड़ा काम है, जॉब क्रिएशन कंट्री में और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सारे में एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल है, उसको ज़रूर इनको फुलफिल करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई, जो चीज़ बताई वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देते हुए वियतनाम के साथ मिलकर के उनके साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन MOU साइन किया है, ठीक है ना। और दोनों कंट्रीज़ ने अपने बायलेटरल कोऑपरेशन को डीप करने के लिए जॉइंट विजन स्टेटमेंट, इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030, याद रखिएगा, इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030, जो भी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर का विजिट था वियतनाम में, उसमें यह साइन किया गया है। तो जॉइंट जो विजन स्टेटमेंट है उसका एम यही है कि दोनों कंट्रीज अपना स्कोप और स्केल ऑफ कोऑपरेशन दोनों को बढ़ाए, और डिफेंस के प्रोग्राम में चाहे बायलेटरल डिफेंस इंगेजमेंट हो, चाहे रीजनल एंड ग्लोबल इशूज को लेकर के, उसमें अपना कोलैबोरेशन बढ़ाए। दोनों साइड्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी साइन किया है, और ये पहला एग्रीमेंट है ऑफ इट्स काइंड दैट वियतनाम हैज एंटर्ड इनटू विद एनी अदर कंट्री, है ना। तो ये पहला म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जो वियतनाम ने किसी कंट्री के साथ साइन किया है, और इंडिया के साथ वो साइन किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड याद रखिएगा। इसके अलावा न केवल आपका जो डिफेंस टाइज है, इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी में भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ, जैसे ONGC विदेश लिमिटेड का ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, इन सारे में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।